आज 9 नवंबर 2022 आज का शाम का व्यू। अभी भैया टाइम हुआ है पीटरबर्ग में, क्या टाइम हुआ भाई, कैमरा नहीं, 5:10 है भैया, 5:10 है। बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना सुंदर है, लाइटें जल गई हैं। अभी इंडिया में हो गया अंधेरा क्योंकि इंडिया से 2.5 घंटे पीछे हूँ मैं। अगर यहाँ 5 बजे हैं तो इंडिया में अभी 7:30 बज गए हैं। तो अभी हम चर्च के ऊपर हैं, कम से कम 9वां या 10वां फ्लोर समझो, है समझो कि 9वीं या 10वीं मंजिल पर मैं बैठ रखा हूँ। अभी लगवाता हूँ मैं यहाँ का एक चक्कर, अभी मैडम गई है फ़ोटो खींचने उधर, तो एक चक्कर लगा दूँ। ये 450 साल पुरानी चर्च है, ये 450 साल पुरानी। तो आप पिल्लर देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पिल्लर हैं, जैसे हमारे इंडिया में भी हैं। इंडिया में जैसे कर्नाटक में कई मंदिर हैं, कोणार्क मंदिर है, या औरंगाबाद मुंबई के पास जो मंदिर है जो पूरा पहाड़ काट के बनाया हुआ है। तो आज की जो जनरेशन है ना, आज की जो दुनिया है, आज के जो लोग हैं, उनके लिए सवाल है भाई कि ये चीज़ किसने बनाई। उस वक्त मशीनरी नहीं थी ना, चलो अब तो क्रेने हैं, जेसीबी हैं, बड़ी बड़ी क्रेने बना रखी हैं कि भैया 10वीं मंजिल तक चढ़ा दो जो भी चढ़ना है। पर ये 450 साल पहले पुराना, ये चीज़ें किसने बनाई, जैसे इतने बड़े बड़े पिलर हैं। और ये पिलर ज़मीन पे नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ये आप देख सकते हैं मैं अभी 10वीं 15वीं मंजिल पे खड़ा हूँ, और इसके ऊपर भी एक और मंजिल है, उसके ऊपर भी काफ़ी बड़े पिलर हैं। तो ये लोग भी सोचते हैं कि भैया इतनी हाइट पे ये चीज़ें किसने बनाई है, मतलब इसका मतलब काफ़ी शक्तियां थी उन लोगों में, या काफ़ी बड़े थे, जैसे हमारे उधर महाभारत में भीम था, जैसे काफ़ी ताकतवर लोग थे, या राजा महाराजाओं के टाइम की जैसा भी था। तो वो अभी तक ये गुत्थी वो सुलझा नहीं पाया कि कैसी गुत्थी है भाई, किसने बनाई, कैसे पिल्लर चढ़ाए ऊपर। तो बहुत ही सुंदर भी भाई अंदर चर्च है। चर्च अभी आज क्या है, बुधवार है, बुधवार को 9 नवंबर बुधवार आज अंदर की ना, मैं पता नहीं था कि चर्च बंद रहती है, तो बुधवार को चर्च रहती है अंदर की बंद, तो अंदर की चर्च बंद है अभी। तो यहाँ शीशा लगा हुआ है, शीशे से दिखा सकता हूँ भाई बाहर का व्यू। अब खिड़कियाँ देखिए यहाँ कितनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, और अंदर का देखिए व्यू। यहाँ के जो इनके क्रिश्चियन मानते हैं यीशु महाराज, तो भाई वो ही है अंदर। बाकी परमात्मा तो बोले सब एक ही है, सबका मालिक एक। अब मैं लगवाता हूँ भाई एक बार चक्कर, जरा मैडम आ जाए, मैडम फोटो खींचने गई हुई है। आ गए भाई मैडम, का त्या मोजना ही आपका छोटा चल तो कुछ। मैडम आ गई है भाई, जय महादेव। आगे भाई आगे मैडम, दान धर्म के स्तंभ। पीछे का व्यू भाई है, पीछे का व्यू है, और ये तो चलते मित्रों आगे, मैं दिखाता हूँ क्या पैसे तो खाते हैं तो? हाँ सोख भाई, बारिश हो रही है बाहर, देखिए कितने सुंदर है बल्लभ के बल्लभों के ऊपर जब बारिश पड़ रही है। मुझे ना समोसा आपके लिए बताऊँ पैदू भैया, मैं चलता हूँ आपको एक चक्कर लगवा देता हूँ। ये ऊपर का रास्ता भाई, ऊपर के बिल्डिंग के जाने का। आज एक्चुअली है क्या कि आज है बुधवार, बुधवार को बंद रहती है, हमें पता नहीं था। बारिश हो रही है भाई, मोटी बारिश। तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं भाई, कितने रुपये में बैठा हूँ, कितनी हाइट पे मैं बैठा हूँ। मेरे आइडिया से 10वीं 15वीं मंजिल के करीब करीब है। ये सामने होटल है भाई, बारिश बहुत तकड़े तरीके से हो रही है,
बर्फ यहाँ लेट पड़ती है, जहाँ मैं रहता हूँ साइबेरिया में, यहाँ से 4,000 किलोमीटर दूर जहाँ अपना घर है वहाँ बर्फ पड़ती है थोड़ी लेट भाई। हाँ वहाँ बर्फ पड़ जाती है, यहाँ थोड़ी लेट पड़ती है। ये घंटियाँ लगी हुई काफ़ी बड़ी बड़ी, ये बाहर का व्यू, मैं चक्कर मार के आ गया मैं वापस। ऊपर का रास्ता आज बंद है, नहीं तो ऊपर का भी दिखाते यार। जय शंभु जय कैलाशों के पास। हरे हरे शंभो शिवा महादेवा शंभो शिवा महादेवा। Сейчас